दोस्तों नमस्कार, टीवी वन इंडिया के खास कार्यक्रम बजट पर चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि मोदी सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना दूसरा बजट पेश कर दिया है। मोदी सरकार का कहना है कि यह संतुलित बजट है और सर्वसमावेशी बजट है और सबके लिए इसमें ध्यान रखा गया है। वाकई एक्सपर्ट की नजर में मोदी सरकार का ये जो बजट है, कोरोना काल में जो आया है, ये कितना लाभदायक है, किसको कितना लाभ मिला है, किसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, किस तरह से कारोबार, नौकरी और किसानों, नौजवानों के लिए इसमें प्रोविजन किए गए हैं, इसी बात को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ इस खास बजट चर्चा में जो मेहमान हमारे हैं, हमारे बिल्कुल दाहिनी तरफ हैं श्री विजय घाटे साहब। आप बीजेपी के जिला महामंत्री हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसी और निर्णयों को लेकर गंभीरता से ध्यान रखते हैं। बिल्कुल हमारे बीच में जो हैं श्री आर के जैन साहब हैं, आप इंडियन मर्चेंट चैम्बर के अध्यक्ष हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसी, इंडस्ट्री और ट्रेडिंग के सारे कामकाज को लेकर आप लंबे समय से आप अध्ययन करते रहे हैं। और बिल्कुल अंतिम में जो हमारे मेहमान हैं, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक राजीव मोहन मिश्रा जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सर, सवाल की शुरुआत हम सबसे पहले घाटे साहब आपसे ही करना चाहेंगे, क्योंकि आपकी सरकार ने बजट पेश किया है और जैसा कि दावा किया जा रहा है, निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने दावा किया है कि यह बजट संतुलित है, सर्वसमावेशी है और सबके लिए लाभदायक है, सबके उत्थान को सोचकर इसमें प्रावधान किए गए हैं। आपकी नज़र में क्या पांच ऐसी खास बातें हैं जो इस बजट के लिए आप गिना सकते हैं कि ये बजट वाकई पांच प्रमुख मुद्दों पर लाभकारी है? सबसे पहली बात, मैं मोदी सरकार और निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद अदा करूंगा कि उन्होंने एक अच्छा बजट इस पैंडेमिक जो 100 साल में पहली बार इंडिया में पूरा वो विश्व उसको फेस कर रहा है, ऐसे वक्त में हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो इस तरीके से फ्रेम किया है कि आम आदमी को लाभ भी पहुंचे, टैक्स का बर्डन भी ना बढ़े और है वो रिसोर्स में मैक्सिमम अचीवमेंट करे। और ये सेकेंड बजट है ये पैंडेमिक का। दूसरी बात, आरोग्य के ऊपर विशेष ध्यान रखा गया है। तीसरी बात, असंगठित कामगारों के लिए ध्यान रखा गया है। चौथी बात, किसानों के लिए और फूड फर्टिलाइजर से लेके जो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है उसके लिए ध्यान रखा गया है। और काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर इस तरीके से इंक्लूड किया है कि जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस होते हुए भी, फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस होते हुए भी, बिना कोई टैक्स बढ़ाए उन्होंने मैक्सिमम फैसिलिटी जनता को देने की कोशिश ये बजट में की है, ऐसा मेरा अपना मानना है। जैन साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से बजट सरकार ने पेश किया है इसे लेकर आप कितने आश्वस्त हैं कि इंडस्ट्री और कारोबार को लेकर, चूंकि आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो किस तरह की चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, प्रमुख जो बातें हैं आपको क्या नज़र आ रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जो भारत के नागरिकों की इस बार अपेक्षा थी, जब एक्सपेक्टेशन ये था कि चुनाव सिर पर हैं और भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत सारे कंसेशंस, बहुत सारे टैक्स रिलीफ या कुछ सब्सिडी या कुछ फ्रीबीज दिए जाएंगे। हाँ। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐसा कुछ नहीं दिया, ये सबसे अच्छी बात है। और पहली बार भारत में एक पॉलिटिकल नहीं बल्कि टेक्निकल बजट आया है। अच्छा। वो टेक्निकल इसलिए कि जितनी पॉलिसीज इस बजट में अनाउंस हुई हैं वो शॉर्ट टर्म नहीं कि 6 महीने में या 1 साल में कुछ होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो भारत की इकनॉमी को बहुत स्ट्रॉन्ग और एक सस्टेनेबल इकनॉमी के रूप में प्रस्तुत करेंगी। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ड्रोन फार्मिंग में यूज़ होगा। आज अगर आप रूरल एरियाज में उनकी इकनॉमी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, किसानों या जो फार्मिंग कम्युनिटी है एग्रीकल्चर सेक्टर में, अगर आप उनकी जेब में ज़्यादा पैसा देते हैं, इकनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग होगी, डिमांड इतनी बढ़ेगी और उससे रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपने आप बढ़ता जाएगा। आज इस बजट में जितनी भी स्कीम्स दी हैं एक दूसरे से लिंक्ड हैं। आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर 7.5 लाख करोड़ किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और डिमांड तीनों को बढ़ाता है। ये सबसे बड़ी बात है कि हर पॉलिसी एक दूसरे से लिंक है। जितनी छोटी छोटी चीज़ जो भारत में चाइना से या दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट की जाती थी और मार्केट भरा रहता था सस्ती गुड्स का, उनको डिस्करेज किया है ड्यूटी बढ़ाकर, और होना भी चाहिए क्योंकि वो चीज़ें हमारे यहाँ कंफर्टेबली हमारी लोकल इंडस्ट्री बना सकती है और हमारे यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग को और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकती है। यही गवर्नमेंट ने किया है। एक चीज़ जो बहुत नोट करने वाली चीज़ है, स्टील स्क्रैप पर ड्यूटी कम की है। अच्छा। क्योंकि इंडिया, भारत
स्टील स्क्रैप का नेट इम्पोर्टर है, एक्सपोर्टर नहीं है। अच्छा। और जब हम स्टील स्क्रैप इम्पोर्ट करते हैं उससे हम वैल्यू एडेड गुड्स बनाते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देती है। ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट ने इस बार इस बजट में ला के एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमी बूस्ट और सस्टेनेबिलिटी को प्रस्तुत किया है। मिश्रा जी, क्या आप एक निष्पक्ष नज़र हम चाहते हैं, आपने किस तरह से इस बजट को ऑब्जर्वेशन किया है? जैसा जैन साहब कह रहे हैं और काटे साहब भी कह रहे हैं कि ये कारोबार और नौकरी रोजगार सबके लिए बहुत सोच समझकर इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपको कुछ साल पहले की बात है आप याद करेंगे तो बजट के पहले एक रेल बजट हुआ करता था। हाँ। उस रेल बजट को लेकर के जो उत्साह लोगों में रहता था, जो चीज़ें रहती थी, आज वो आपने देखा होगा कि जब से ये मोदी सरकार, जिसको आप लोग बोल रहे हैं, मैं तो भारत सरकार मानता हूँ, लेकिन जिसको आप मोदी सरकार संबोधित कर रहे हैं, वो सरकार ने आज रेल बजट के मायने और महत्व को ही खत्म कर दिया। ये आपको सबसे पहले मैं इस बजट का डिमेरिट्स बताता हूँ। इस पर आज कोई चर्चा नहीं हो रही है, किसी भी एंगल से चर्चा नहीं हो रही है। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूँ कि इस बजट का जो भाषण की शुरुआत की गई, तो आपने देखा होगा कि निर्मला सीतारमण ने जो पब्लिक सेक्टर का डिसइन्वेस्टमेंट है, जब उस बात को सामने रख रही थी तो लोग ताली बजा रहे थे। मतलब पब्लिक सेक्टर के बेचे जाने पर खुशी जताई जा रही थी। ये दूसरा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू इस बजट का रहा। तीसरा, अगर आप बोलेंगे तो भले ये लोग बोल रहे हैं कि कॉमन मैन के लिए भी बजट है में प्रावधान किया गया, कॉमन मैन के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया, मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट की हैसियत से नहीं, मैं कॉमन मैन की हैसियत से सबसे पहले इस बात को सोचूंगा, क्योंकि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस देश का कॉमन नागरिक है। तो उस संदर्भ में मैं आपको बता दूंगा कि आज आप देखने जाइए तो इस बजट में एम्प्लॉयमेंट को लेकर के कोई रोड मैप आपको दिखाई नहीं देगा। इस बजट में बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण को लेकर के कोई रोड मैप आपको दिखाई नहीं देगा। इस बजट में करप्शन को रोकने को लेकर के कोई रोड मैप आपको दिखाई नहीं देगा। इस बजट में जो मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मनी है, कि मतलब फालतू के चीज़ों पर पैसे का खर्च करना, उसको लेकर के आपको कोई रोड मैप इसमें नहीं दिखाई देगा कि उसको कैसे रोका जाए। किसानों को लेकर करके कोई रोड मैप आपको नहीं दिखाई देगा। एमएसपी को लेकर के कोई बजट का प्रावधान नहीं किया गया है कि अगर कोई स्टेट डिनाई करता है किसानों के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो केंद्र सरकार तैयार बैठी है किसानों के प्रोडक्ट को इस रेट में खरीदने के लिए। इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं किया गया। मजदूरों को, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के भविष्य को कैसे सुरक्षित रखा जा सके, उनके भविष्य को या वर्तमान को मजबूत कैसे बनाया जा सके, इसको लेकर के आपको कोई रोड मैप नहीं दिखाई देगा। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर करके कोई ऐसा प्रोविजन आपको नहीं दिखाई देगा जिसमें महिलाओं को कोई ऐसी विशेष प्राथमिकता दी गई हो कि जिससे उनको कोई, मान लो कि कोई ऐसी एक महिला है जो कुछ करना चाहती है लेकिन उसके पास फाइनेंस नहीं है उसको आगे बढ़ाने के लिए, तो हम उसको फाइनेंशियल एड कैसे सुलभ से सुलभ रास्ते से उपलब्ध करा पाएंगे, ऐसा आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। ऐसे में मेरा यह मानना है कि यह जो बजट है यह पूरी तरह से इंडस्ट्री के फेवर में जरूर है। मैं जैन साहब की इस बात से बहुत सहमत हूँ कि इंडस्ट्री के फेवर में यह बजट जरूर है, लेकिन आम आदमी के फेवर में बिल्कुल नहीं है। और मेरा कंसर्न चूंकि आम आदमी से ज़्यादा है, इसलिए मैं, मेरी नज़र में यह बजट पूरी तरीके से भारत के गरीबों को, मजबूरों को, लाचारों को या ज़रूरतमंदों को पूरी तरीके से निराश करने वाला है। घटे साहब, मैं इस पे आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा कि चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसान हो या मजदूर हो, इनको लेकर कोई बड़ी घोषणा बजट में नज़र नहीं आ रही है। तो क्या ये माना जाए कि वाकई भारत सरकार ने इन इन प्रमुख जो घटक हैं उनको लेकर नज़रअंदाज किया है? देखिए, बजट को देखने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कि अनबायस्ड वे में बजट हम लोग देखें, एक होता है कि मैं मोदी को विरोध करने के लिए ही बजट देखूंगा। अब जब इन्होंने मोदी के विरोध करने के लिए ही बजट देखना है तो सारी ऐसी बातें आ जाएंगी कि जो उन्होंने देखा नहीं है, तो थोड़ा उसके अंदर अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ हम लोग शुरुआत करते हैं कि जो बड़ी इकोनॉमी के पार्टनर जो है इंडियन इकोनॉमी के, वो किसान है। अब किसान के लिए उन्होंने क्या क्या किया हुआ है ये अगर आपको समझ ले तो उसके लिए बजट में किसान के प्रोविजन से को आपको देखना पड़ेगा। ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में जैन साहब ने बताया कि उससे क्या फायदा हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, आप सादा कॉमन फैक्टर ले लीजिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर,
रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, जब एक आदमी अपनी फसल तैयार करता है, मार्केट लेके जाना होता है, उसके लिए अच्छे प्राइस मिलने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म करना जरूरी होता है, ऑप्टिक फाइबर केबल उसके लिए उससे खेत तक पहुंचना जरूरी होता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आज मोदी गवर्नमेंट रेडी कर रही है, या उनके शब्दों में कहे तो भारत सरकार रेडी कर रही है। दूसरी बात, उनके एक कॉम्पिटिटिव प्राइस मिलने के बाद वो फसल वहां से मार्केट लेके जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा चाहिए। मैं अपने एपीएमसी मार्केट का ही आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। लातूर से 19 टन हमारे दोस्त के खेत का, जो क्या कहते हैं उसको, हम लोग भोपला कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, कद्दू लेके आ रहे थे लातूर से। 19 टन उन्होंने लोड किया, लेके आ रहे थे एपीएमसी में। एपीएमसी में जब बेचने को गए तब एक्चुअल प्राइस 12 टन की मिली, क्योंकि 60 टन के करीब रोड के ना होने के वजह से या प्रॉपर ना होने की वजह से पिचक गया था। अब वो 60 टन का जो लॉस है वो किसान का नुकसान हो जाता है। रहा सवाल एमएसपी का, एमएसपी तब मिलेगा आपको, तब प्राइसेस उसके अच्छे प्रदान तब मिलेंगे जब गवर्नमेंट प्रो हो। प्रीवियस गवर्नमेंट जो 2014 के पहले थे, जहां उन्होंने 30,000 करोड़ या 40,000 करोड़ की फसल खरीदी हुई है, आज 1.5 लाख करोड़ का फसल खरीदा जा रहा है एमएसपी के ऊपर। अब उसके बारे में 3 लॉ जब लेके आए थे तो वो लॉ को विरोध किया, ठीक है, लॉ को विरोध किया, लॉ वापस ले लिए, वापस उसको मॉडिफिकेशन करके इंप्लीमेंट करना नहीं करना वो नेता लोगों की बात है, लेकिन जो एक ओपन मार्केट हो रहा था कहीं ना कहीं विरोध की मानसिकता वजह से वो ओपन मार्केट क्लोज किया गया है। आज हमारा मेन इंपोर्ट क्या होता है, खाने का तेल जो होता है वो मेन इंपोर्ट होता है, पल्सेस होता है वो मेन इंपोर्ट होता है। क्यों, हमने कभी खेती में फार्मिंग करते समय हमने इसके बारे में सोचा भी नहीं कि हमने कौन सी फसल लगानी है, कौन सी फसल का दाम मिल जाएगा, इसकी जो प्लानिंग होती है उस प्लानिंग के विषय में भी डिजिटल प्लेटफॉर्म करके रखे। लेकिन मिश्रा जी का जो कंसर्न है वो ये है कि महंगाई घटाने में या रोजगार को बढ़ाने में या किसानों के उत्थान को लेकर, जैसे एमएसपी का ही मामला है, इसको लेकर स्पष्ट नीति क्यों नहीं दिख रही है, ये सवाल है। नीति स्पष्ट है, मैंने मानना चाहिए। अच्छा। सूरज उगेगा जरूर, लेकिन मैं, आप जब आंख खोलेंगे तब आपको दिखेगा ना कि सूरज उग गया है। जब आप आंख बंद करके बैठोगे और कहोगे कि सूरज उगा ही नहीं है करके, तो उसके लिए मेरे पास तो कोई चारा नहीं है। अभी रहा सवाल कॉमन आदमी का या गरीब आदमी का, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी, मैं आपके पास आऊंगा, मैं इनका उत्तर पहले सुनो। इस साल 1,68,00,000 लोगों को इस बार घर देने का प्रावधान हो गया है। आज किसान के खेत में सोलर से चलने वाले पंप इंस्टॉल करने हैं, ताकि वो दिन में अपना खेती को पानी दे सके, रात को अपना समय अपने फैमिली के साथ दे सके। आज कितने सारे गाँव है जहाँ पे टैप का पानी तक घर पे मिला नहीं है 70-75 साल में। आज उसके लिए काम करना चालू है, तो उसके लिए जो निधि लगता है वो निधि है, लेकिन टैक्स रिलीफ और पॉपुलर बजट जिसको कहते हैं वो डेफिनेटली आया नहीं है, क्योंकि देश चलाना है और देश चलाते समय लॉन्ग टर्म में देश चलाना है। आज हमारे यहाँ जब डिफेंस डीआरडीओ से रिसर्च होके अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, आज डिफेंस कॉरिडोर हो रहा है, डिफेंस कॉरिडोर से जॉब नहीं होगा नहीं तो और क्या होगा, और जॉब यानी ही मेरा मतलब है ऐसा नहीं होता। एमएसएमई के माध्यम से आप छोटी इंडस्ट्री ओपन कर सकते हैं। मैं बेस्ट एग्जाम्पल महाराष्ट्र का देता हूँ, टाटा टेल्को पुणे में, एक सेकंड में कंप्लीट कर लेता हूँ। टेल्को में अगर स्ट्राइक हो जाता है तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए, 7,000 से 7,500 इंडस्ट्री हिल जाती है, जो छोटी छोटी इंडस्ट्री है। अब वो 7,000 से 7,500 इंडस्ट्री में कम 35,000 से 40,000 लोग एम्प्लॉयमेंट लेते हैं। 35,000 से 40,000 एम्प्लॉयमेंट होता है, इसका मतलब 35,000 से 40,000 घर चलते रहते हैं। तो एक टाटा हिलने से, टेल्को हिलने से वहां पे हो जाता है। तो ये स्ट्रक्चर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अपने को कंट्री टू कन्वर्ट इट टू मैन्युफैक्चरिंग हब, इसके लिए हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। ये समझ में जिसको आएगा उसको लगेगा कि ये बजट ठीक है, लेकिन जिसको मोदी जी समझ में नहीं आएंगे उनके लिए ये बजट में काफी सारे नुक्स निकालने पड़ेंगे। जैन साहब, मैं मिश्रा जी के पास बाद में जाऊंगा, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगा कि आपने रेज किया था हैंड की, जिस तरह से मिश्रा जी ने एक सवाल उठाया कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको एक तरह से बजट में अछूता रखा गया है या उसकी स्पष्टता उसकी नहीं दिख रही है। जी, जैसे कि अभी खुद घाटे साहब ने भी कह दिया कि मैं भी मानता हूं कि इन्होंने स्वीकार किया कि ये पॉपुलर बजट नहीं है, मतलब कुछ चीजों को लेकर स्पष्टता नहीं है शायद इसके लिए, या स्पष्टता के बारे में या ऐसा है कि खुश करने के लिए नहीं बल्कि भारत को सही दिशा में और सही अर्थव्यवस्था के सही ट्रैक पर ले जाने के लिए, आपकी राय क्या है? देखिए, मैंने शुरू में ही कहा था कि ये पॉलिटिकल बजट नहीं है, और चुनाव सर पे होने के बाद भी जितने अनाउंसमेंट हुए हैं वो पॉलिटिकल नहीं है, खुश करने वाले नहीं है। लेकिन खुश करना एक शॉर्ट टर्म प्रपोजल होता है,
छोटे थोड़े टाइम के लिए होता है, उसके बाद उसका कोई अर्थ नहीं होता, अर्थ नहीं होता है। मिश्रा जी ने एक बात कही पब्लिक सेक्टर का डिसइन्वेस्टमेंट, मैं थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहूँगा। 75 साल पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय हमारे देश को इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत थी, प्राइवेट सेक्टर स्ट्रॉन्ग नहीं था। उस टाइम के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने टाटा को अप्रोच किया, जो भारत का पहला स्टील प्लांट जमशेदपुर में लगा, क्योंकि उस टाइम जरूरत थी कि आप यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन लाइए। साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, क्योंकि पैसा गवर्नमेंट के पास था, प्राइवेट सेक्टर में नहीं था, उन्होंने डिफरेंट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनी, भिलाई स्टील प्लांट आया, सारे जितने सर्विस सेक्टर था वो गवर्नमेंट के पास था, सिविल एविएशन गवर्नमेंट ने शुरू किया, मतलब सारी चीज़ें, बड़े बड़े जितने प्रोजेक्ट्स थे वो गवर्नमेंट ने शुरू किए, क्योंकि उस टाइम प्राइवेट सेक्टर स्ट्रांग नहीं था। लेकिन आज समय की डिमांड ये है कि गवर्नमेंट को गवर्न करना चाहिए, बिजनेस नहीं करना चाहिए। आप देखिए चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है, वहाँ चाइनीज गवर्नमेंट कोई बिजनेस नहीं करती है या कोई फैक्ट्री नहीं चलाती है, वहाँ कोई पब्लिक सेक्टर नहीं, वहाँ सारा प्राइवेट सेक्टर ही कंट्रोल करता है, वही उसी ने चाइना की इकोनॉमी को बूस्ट दिया है। आप यूएसए चले जाइए जो वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमी है, वहाँ गवर्नमेंट कोई बिजनेस नहीं करती है, सारा प्राइवेट सेक्टर करता है। और वित्त मंत्री ने इसका जिक्र भी किया है कि हम ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि सरकार बिजनेस नहीं करना चाहती, सरकार मॉनिटर करना चाहती है। देखिए मैंने आपको कहा पहले एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जरूरत थी, इसलिए गवर्नमेंट ने बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर में प्लांट्स लगाए। आज वो गवर्नमेंट का काम नहीं है, आज वो प्राइवेट सेक्टर का काम है। और डिसइन्वेस्टमेंट में एयर इंडिया एक साल में कुछ 1,00,000 करोड़ का खर्चा गवर्नमेंट करती थी सिर्फ सैलरी देने के लिए, और आउटपुट कुछ नहीं था, घाटे में था। आज डिसइन्वेस्टमेंट करके गवर्नमेंट ने वो पैसा बचाया है, वो पैसा प्रोडक्टिव काम में दूसरी चीज में लगेगा। सिमिलरली बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोडक्ट्स अभी भी ऐसे हैं जो कि घाटे में चल रहे हैं, उनको डिसइन्वेस्टमेंट करना ही समय की मांग है, नंबर वन। नंबर टू में एक चीज बोलना चाहूंगा जो इन्होंने कही किसानों के लिए, देखिए एक ये बोलना कि साहब स्टेट ने नहीं खरीदा तो सेंट्रल खरीद लेगा, ये शॉर्ट टर्म चीज है। पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि किसानों को ये नौबत नहीं आए कि उनका माल नहीं बिक रहा है या माल कहाँ ले जाऊं। आज जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे, आज गवर्नमेंट ने एक स्कीम गति शक्ति शुरू करी जिसमें देश के विभिन्न भागों में कार्गो टर्मिनल्स बनाए जाएंगे। आप मुझे बताइए अगर एक किसान को औरंगाबाद से अपनी फसल एक्सपोर्ट करने के लिए नावाशिवा लाना पड़े तो कितनी लॉजिस्टिक लगेगी, लेकिन वही कार्गो टर्मिनल अगर औरंगाबाद में बन जाए और या पूना में बन जाए तो उनका लॉजिस्टिक कॉस्ट इतना कम होगा, टाइम की सेविंग होगी और वो लोग अपना बिजनेस ज़्यादा अच्छे से बढ़ा सकेंगे। ये सब चीज़ इस बजट में है, इसलिए ये कहना कि किसी को कुछ नहीं दिया, हाँ मैं एक चीज़ मानता हूँ जिससे मैं गवर्नमेंट से आज डिसएग्री करता हूँ, महंगाई बढ़ी है कोई डाउट नहीं है, इन्फ्लेशन बढ़ा है कोई डाउट नहीं है, कॉमन आदमी का पॉकेट पर भार है, उसका डे टू डे खर्चा बढ़ा है, सेविंग कम हुई है। गवर्नमेंट चाहती तो पर्सनल इनकम टैक्स में कुछ रिबेट किसी भी वे में, चाहे वो एग्जम्पशन लिमिट बढ़ाकर या इनकम टैक्स रेट कम कर दे सकती थी और देना चाहिए था। दूसरी चीज़ एक और सबसे बड़ी इस बजट की एक खामी, बजट की या जनरल इकोनॉमी की खामी है, आज फ्यूल हमारे देश में वर्ल्ड में सबसे एक्सपेंसिव फ्यूल इंडिया में है, जिसमें 55% टैक्स का कंपोनेंट होता है, गवर्नमेंट उसको कम कर सकती है। और फ्यूल एक ऐसी चीज़ है जो हर सेक्टर को अफेक्ट करता है एडवर्सली, ये चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये इकोनॉमी को बूस्ट करने वाला, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने वाला और इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने वाला बजट है। मिस्टर जी क्या कहेंगे आप, आपने सवाल उठाया था घाटे साहब का कहना है तो आपका जो नजरिया है वो मोदी सरकार की खामियां गिनानी है, आपको अच्छाई क्यों नहीं नजर आती इस पूरे बजट में, कोई अच्छाइयां भी तो होंगी। इन्होंने बोला अभी किसानों के लिए ड्रोन एग्रीकल्चर वर्ड दिया है, देख लीजिए। दूसरा एक सोलर पंप, ये दोनों चीज क्या है मालूम है, ये दोनों चीज तकनीक है। और इस तकनीक के नाम पर जो आज देश में लूट हो रही है ना सरकारी खजानों की, उससे कोई ऐसा नहीं है कि जो नहीं समझ रहा है, सारे लोग जान रहे हैं कि नई नई तकनीक का परिभाषित करके लोग कैसे सरकारी संपत्ति को लूटने का प्रयास कर रहे हैं, सरकारी तिजोरी को खाली करने का प्रयास कर रहे हैं। आप हमको बताइए क्या हमारे यहाँ सॉइल टेस्टिंग आज से होती है, आज से हम सॉइल टेस्टिंग कर रहे हैं? हमारे यहाँ सॉइल टेस्टिंग के बहुत आधुनिक प्रारूप हैं, शायद विजय घाटे साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से हैं। आप वैसी स्थिति में हमको क्यों समझा रहे हो ड्रोन एग्रीकल्चर की बात, हमको ये समझाओ कि किसानों के लिए आपने कितना गोदाम बनाया, किसानों के लिए आपने उनके घर में अपना माल बेचने की कितनी सुविधाएं प्रदान की,
आप हमें ये बताओ कि किसानों को MSP देने का, कि कम से कम उनको मिनिमम गारंटी प्राइस, जो मिनिमम सेल प्राइस जिसको बोलते हैं, जिससे उनको ये लगे कि हाँ उनका अगर 20 रुपया खेती पे खर्च होता है तो उनको 21 रुपया या 22 रुपया या 25 रुपया उसके बदले मिल रहा है, मतलब वो लॉस में खेती करने को तैयार ना हो। ये चीज कब आपने किया? आज सारे गांव के लोग किसानी छोड़ कर करके शहर में आकर करके रोजी रोटी कमा रहे हैं, सब असंगठित क्षेत्र में जाके काम कर रहे हैं, फुटपाथ पे भाजी लगा रहे हैं, आपके यहाँ अवैध होकर की समस्या पैदा हो रही है। ये सब चीज इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने गांव को रोजगार विहीन कर दिया है, गांव की जो ताकत है एग्रीकल्चर उसको आपने कमजोर कर दिया है। दूसरी बात, डिसइन्वेस्टमेंट पर मैं आता हूँ। अभी जैन साहब ने कहा लॉस में चल रही थी कंपनियां, इसलिए उसको डिसइन्वेस्ट कर देना बहुत अच्छा हुआ। अरे भाई, तब तो देश कर्जे में चल रहा है, देश को बेच दीजिए। देश कर्जे में चल रहा है, देश को बेच दीजिए, देश किसी दूसरे गवर्नमेंट के हाथ में दे दीजिए। क्या इस पॉलिसी पे आप चलेंगे? आप ये नहीं देखेंगे कि आपकी किस कमी से आपका जो पब्लिक सेक्टर था वो डूबा? आप इस पर क्यों नहीं विचार करेंगे? क्यों नहीं उस कमी को दूर करेंगे कि पब्लिक सेक्टर क्यों डूबा? आपके यहाँ सारे उपाय हैं, आपके यहाँ करप्शन को लेकर के कायदा है, आपके यहाँ सर्विस कंडक्ट रूल है, सारी चीजें हैं, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं और आपको लॉस दिखाएंगे, तो आप अपना जो आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट में या पब्लिक सेक्टर में, वहां से आप उसको लॉस में ले जा रहे हैं और उसका दोष आप हम लोगों पर मढ़ देंगे और उस पूरी पब्लिक सेक्टर को बेच देंगे। दूसरी चीज कि प्राइवेट फर्म, अगर आप प्राइवेट को आप तब आप वेलकमिंग कर सकते थे जब पब्लिक सेक्टर की तरह ही आपकी जॉब सिक्योरिटी प्राइवेट सेक्टर में भी होती थी, तो आपने तो जॉब सिक्योरिटी को कमजोर कर दिया। 300 स्टाफ वाली कंपनी को आप 24 घंटे के अंदर बंद कर सकते हैं, ये कायदा किसने लाया? आपने लाया। जो आदमी 10-10 साल 15-15 साल आपकी कंपनी में काम किया हो, आपकी कंपनी को उठाया हो, उसको आप बेरोजगार कर देंगे? नहीं गणेश साहब, मैं इस पे आपका जवाब चाहूंगा कि अगर देखें तो कोरोना लॉकडाउन के कारण बड़े पैमाने पर जाहिर सी बात है लॉकडाउन का असर पड़ा है, और मिश्रा जी ने जैसा रेश किया पॉइंट की इसमें गारंटी नहीं है, डिसइन्वेस्टमेंट के बाद अगर कंपनियां प्राइवेट हो रही हैं तो उसमें जॉब की गारंटी नहीं है, जो काम करने वाले लोग हैं उनकी गारंटी नहीं है, और सरकार ने जो मजदूर वर्ग है उसको लेकर कोई ऐसा स्ट्रांग कोई प्रोविजन नहीं दिख रहा है इस बजट में। देखिए, जॉब सुरक्षित होना इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करो और आपका जॉब सुरक्षित रहेगा। आज अगर गवर्नमेंट वाले बैंक में आप चले जाओ, कोई भी बैंक में एक खाता खोलने की आप कोशिश करो, आपको जो हर्डल्स मिलते हैं ना वहाँ पे, उससे मालूम पड़ जाता है कि गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ कोई क्यों नहीं जाता। आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, BSNL के फोन कितने लोग यूज कर रहे हैं, पोस्ट कार्ड से कितने लोग लेटर भेजते हैं जो पोस्ट का सर्विस यूज करते हैं, कितने लोगों का पोस्ट में खाता पड़ा हुआ है। जिम्मेदारी तो सरकार की है ना, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। ये हुआ क्या है, ये एक मानसिकता डेवलप हो गई कि गवर्नमेंट में मुझे जॉब मिला तो वहां से मुझे कोई निकाल नहीं सकता, ज्यादा से ज्यादा मुझे ट्रांसफर हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ये मानसिकता। और बेसिकली गवर्नमेंट होता किसके लिए? गवर्नमेंट बिजनेस करने के लिए नहीं होता। गवर्नमेंट का सबसे पहला काम होता है एवरेज एज ऑफ द सिटीजन को बढ़ाना, ये उसका प्रायोरिटी रहता है। अभी एवरेज एज ऑफ द सिटीजन बढ़ाने के लिए जो भी चीजें जरूरी है वो सर्विसेज गवर्नमेंट ने देनी है, ये गवर्नमेंट का काम है। रहा सवाल किसानों का, किसानों के लिए 3 कृषि कायदे कानून लेके आई थी गवर्नमेंट। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि ये कानून सही थे, लेकिन कुछ लोगों ने इस तरीके से बवंडर मचा दिया कि वो कानून पीछे लेने पड़े। आने वाले टाइम में हो जाएगा, जैन साहब ने कहा कि माल बेचेगा कहाँ जाके, अगर कोई गवर्नमेंट फैसिलिटी देती है कि आप किसान के बॉर्डर पे जाके उसका माल आप परचेस कर लो तो उसके अंदर भी दिक्कत। अब सॉइल टेस्टिंग का इन्होंने कहा, सॉइल टेस्टिंग किस लिए करनी है, डेप्थ कितनी है, पत्थर कितना है, उसके लिए नहीं करनी है, वो सॉइल के अंदर कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा अच्छी तरीके से आ जाएगा। आज उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण ले लीजिए, उत्तर प्रदेश एक अपने आप में एक देश है, 25 करोड़ लोक संख्या है, वहां पे अगर खेती का फसल, या मिश्रा जी मेरे ख्याल से बिहार के हैं, तो बिहार और उत्तर प्रदेश में खेती की क्या अवस्था है, क्या किया खेती के लिए? कुछ किया नहीं, वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में पहले 5-5 साल गवर्नमेंट के गए हुए, तब जाके अभी प्रोडक्टिविटी शुरू हो गई है। और ऐसा नहीं है कि आज गवर्नमेंट ने ले लिया और कल प्रोड्यूस शुरू हो गया, इस तरीके से काम नहीं चलता। अब रहा सवाल फ्यूल का, इन्होंने एक रेस किया, हमारा 90-95% फ्यूल हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, तो जो भी प्राइसेस है वो इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड होती है, और जो इंडिया में 5-10% ONGC जैसे लोग प्रोड्यूस करते हैं या उसको फिल्टर
ऑपरेशन कर लेते हैं उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट इम्पोर्ट से ज्यादा पड़ जाती है क्योंकि हमारे ओवरहेड्स उसके अंदर ज्यादा है। अब इसको कंट्रोल कैसे करें, तो इसके लिए कम से कम फ्यूल यूज करना, इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करना, इथेनॉल पे गाड़ियां चलाने के लिए प्रोत्साहित करना, नहीं, 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 इस तरीके का व्यवस्था आपको करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म में, उसके सिवा नहीं होगा। साहब जो व्यवस्था मौजूद है, जो व्यवस्था, ये जागरूकता की बात है कि हम अगर किसी किसी चीज से बहुत ज्यादा परेशान है तो हम उसको खाना ही बंद कर दें, उसका उपयोग करना बंद। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है। सरकार ये कर रही है, इलेक्ट्रिक और जो नेचुरल गैस पर चलने वाली गाड़ियां हैं उनको प्रमोशन मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप सामान्य लोग जिनके पास वो गाड़ियां नहीं है या जिनकी काबिलियत नहीं है, जो कैपेसिटी नहीं है उनकी खरीदने के लिए, उनके लिए हम जबरदस्ती फोर्सफुली कहें कि आपको वही लेना पड़ेगा क्योंकि पेट्रोल ज्यादा कीमत हो गई, या कम खर्चा कीजिए, आप गाड़ी मत चलाइए। जैन साहब ने एक बात कही कि ये जो जिम्मेदारी सरकार की है कि सरकार उस पर 55% जो टैक्स का मामला है और 45% अगर उसकी बेसिक कीमत है तो उसका 100% मतलब 110% हम उस पर टैक्स लगा रहे हैं, इस टैक्स को हम इसमें कमाई अपनी सरकार क्यों नहीं कम कर सकती है कि ताकि लोगों को राहत मिले। कमाई कम किया है। मैं जैन साहब आपके पास, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से घाटे साहब, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए घाटे साहब ने कहा कि हम इंपोर्ट करते हैं क्रूड, इस वजह से शायद हमारी कॉस्ट ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। आज अगर गवर्नमेंट एक स्टेप लेती है, सिंपल स्टेप, कि फ्यूल को जैसे सारी कम्युनिटी जीएसटी में आती हैं, उसको डाल दो फ्यूल को जीएसटी में आ जाए, आज आपका पेट्रोल 70 रुपये हो जाएगा, डीजल 60 रुपये, राइट। लेकिन ये पॉलिटिकल डिसीजन है, क्योंकि आज जीएसटी में फ्यूल को लाने का मतलब है स्टेट में को जो रेवेन्यू आता है डायरेक्ट फ्यूल सेलिंग से उनको स्टेट को नहीं आएगा, सेंट्रल कंट्रोल, तो ये पॉलिटिकल डिसीजन है। लेकिन इसमें कॉमन पब्लिक, कॉमन सिटीजन को लॉस हो रहा है, उनकी पॉकेट पे असर आ रहा है, दैट इज नंबर वन। नंबर टू, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जो हमारी डिसइन्वेस्टमेंट और घाटा और एम्प्लॉयमेंट की बात चल रही थी कि हम सपोर्ट नहीं कर, क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए हम 1960 में नहीं जा सकते हैं, जब देश डेवलपिंग था, बैकवर्ड था, हमारा देश बैकवर्ड कहलाता था। हम 1960 में 60 साल पीछे नहीं जा सकते हैं, हमको आगे बढ़ना है। और आज कॉम्पिटिशन ग्लोबल कॉम्पिटिशन है, हमारा कॉम्पिटिशन पड़ोसी से या विद इन कंट्री नहीं है, ग्लोबल कॉम्पिटिशन है। और मैं साइंटिस्ट हूँ, एक डार्विन की एक थ्योरी बोलना चाहूँगा, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, चाहे वो देश की बात हो, चाहे वो एक इंडस्ट्री की बात हो, चाहे कॉमन मैन आपके मेरे जैसे की बात हो, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाली थ्योरी हर जगह एप्लीकेबल होती है। अगर आज इकोनॉमी में सेविंग नहीं होगा, इकोनॉमी में बूस्ट नहीं होगा, हम लोग पीछे पीछे चलते जाएंगे। और उस स्थिति में गवर्नमेंट का काम सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते रहना, अपनी पब्लिक सेक्टर को खोलते रहना या पब्लिक सेक्टर को सपोर्ट करते रहना, क्योंकि मोस्टली पब्लिक सेक्टर कुछ को छोड़ के सब घाटे में ही चल रहे हैं, और वो घाटे में इतने घाटे में है कि आपका हमारा जो टैक्स का पैसा, एक्सचेकर का पैसा गवर्नमेंट को जाता है, उससे उनको सपोर्ट मिलता है और उस वजह से इकोनॉमी वीक होती है। तो आज अगर गवर्नमेंट स्टेप, मैं कहता हूँ एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उत्तम इन्होंने डिसीजन लिया है। आज जो गारंटी एम्प्लॉयमेंट की है, देखिए उसमें दो चीज़ होती हैं, मोस्टली पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में सरप्लस मैन पावर रही है, उसका एक रीज़न रहा है क्योंकि पॉलिसी गवर्नमेंट की रही है कि आपको एम्प्लॉयमेंट देना है, बहुत अच्छी बात है, तो सरप्लस मैन पावर है। अगर वो सरप्लस मैन पावर टाइम के हिसाब से आपको ट्रिम करना पड़ता है, आपको यूनिट को प्रॉफिट, आप बिजनेस करेंगे, कोई भी बिजनेस घाटे में नहीं करना चाहेगा, नहीं करना चाहिए, बिजनेस प्रॉफिट में ही करना चाहेगा। और गवर्नमेंट को भी यही करना चाहिए कि अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल हो, प्राइवेट सेक्टर में तो ऑफ कोर्स कोई भी एफोर्ड घाटे में नहीं करना चाहेगा। तो मैन पावर को ट्रिमिंग, ये एक पॉलिसी होती है। अब वो ट्रिमिंग में जो ऐसी मैन पावर जो कि कोई काम नहीं कर पा रही है या जिनको जिनकी यूटिलिटी नहीं है, ऑफ कोर्स उनको थोड़ा सफर होना पड़ता है, ये समय की डिमांड है और ये बिजनेस की एक रूल है जो हर जगह एप्लीकेबल है, वही हमारे यहाँ भी एप्लीकेबल है। आज एयर इंडिया में लाखों एम्प्लॉई हैं, जरूरी नहीं कि वो लाखों की लाखों टाटा उनको एब्जॉर्व कर लेगा, हो सकता है उनकी जो नहीं काम के उनकी छटनी भी करनी पड़े, ये होता है। रहा सवाल, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो पॉलिसी आई है इस बजट में, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देश को तो आगे बढ़ाते हैं एक चीज, इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट देते हैं। और अगर ये पॉलिसी ऑनेस्टली इंप्लीमेंट होती है तो हमारा देश एक डेवलप्ड कंट्री बनके निकलेगा। मिश्रा जी क्या कहेंगे? आज ब्लू इकोनॉमी के लिए पोस्ट दिया हुआ है, उसके बाद फूड प्रोसेसिंग है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के ऊपर काम कर रही है और वो एमएसएमई के थ्रू ही फूड प्रोसेसिंग वगैरह सारे हो जाएगा, तो उसके वजह से किसान को आगे चल के राहत मिलने ही वाली है।
उसके अंदर कोई दो राय नहीं है, लेकिन जैसा जैन साहब ने बनाया आज क्या है इसके वाली ये नहीं है ये बजट, कल क्या है। आज यही है कि आपके सरकार से यही कहा जा रहा है कि आप पेट्रोल और पेट्रोलियम को जीएसटी में ला दीजिए, वो आपकी सरकार नहीं ला रही है। नहीं, स्टेट गवर्नमेंट, मैं दोबारा आऊंगा। जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल में ये प्रपोजल निर्मला सीतारामन जी लेके आई थी। हाँ, लेकिन फैसला नहीं हो रहा है, जनसंघ ने सही पॉलिटिकल डिसीजन है, पॉलिटिकल स्टेट उसको अपोज कर रही है। बिल्कुल, जैन साहब ने बहुत क्लियर ये पॉइंट कर दिया कि चूंकि ये मामला अभी पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल लाभ हानि देखकर ये किया जा रहा है, हालांकि इसको कर देना चाहिए। मिश्रा जी, जो आप कह रहे थे कि जिस तरह से ये मामला सारा डिसइन्वेस्टमेंट का है या कारोबार को नहीं बढ़ने देने का है, मेरा जो सवाल था यही था कि लॉकडाउन के कारण बड़े संख्या में नौकरियां गई हैं, लेकिन कोई बड़ा प्रोविजन जैसे टैक्स में उनको छूट मिले या कुछ ऐसा प्रोविजन हो कि लगे कि हाँ आप तबाह हो चुके हैं, तकलीफ में हैं, आर्थिक परेशानी है, और इसलिए सरकार आपका ध्यान रखते हुए इस बार खास तौर पर आपको ये राहत देने का ऐलान कर, लेकिन ऐसा ऐलान कुछ फिलहाल दिख नहीं रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे, आपको लगता है कहीं ना कहीं ये विषय छूट गया है सरकार से? जो मालिक है इस पूरे देश का, जब वही एक गाइडलाइंस नहीं दिखाएगा तो फिर स्टेट कहाँ से गाइडलाइंस दिखाएंगे? वो तो बच्चे हैं ना इस देश के, वो देश के बच्चे हैं, और मेरा फादर जो है वो मेरा केंद्र सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट केंद्र सरकार के बच्चे हैं। वैसी स्थिति में पहला जो गाइडलाइंस दिखाना पड़ेगा आपको स्टेट के सामने, जो एक आइडियोलॉजी आपको प्रस्तुत करनी पड़ेगी, वो केंद्र की तरफ से आती है। जब केंद्र कुछ पहल करता है तब उसको स्टेट फॉलो करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे कायदे कानून भी आप देखेंगे कि केंद्र से वो स्टेट की ओर जाते हैं। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि ये तो गवर्नमेंट के आंकड़े हैं ना, कि पिछले 2 साल में 3 करोड़ लोगों को अपना रोजगार धोना पड़ा है, खोना पड़ा है, उनकी नौकरी गई है। ये तो गवर्नमेंट के आंकड़े हैं ना, बिल्कुल, ये गवर्नमेंट के आंकड़े हैं ना, कि गरीबी रेखा से नीचे जाने वाले लोगों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। ये तो गवर्नमेंट के आंकड़े हैं ना, 20 करोड़ लोग, 27 करोड़, 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे गए हैं पिछले 2 साल में। ये तो गवर्नमेंट के आंकड़े हैं ना। हमको एक बात बताइए कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं वो इनकम टैक्स भरते हैं तो उनको तो बहुत सारी सिक्योरिटी है कि भैया उनका गवर्नमेंट जॉब की भी सिक्योरिटी है, पेंशन की सिक्योरिटी है, उनको बाकी सारे फैसिलिटी की सिक्योरिटी है, उनको क्वार्टर्स भी मिलते हैं, उनको LTC भी मिलता है, सब मिलता है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं वो इनकम टैक्स जो भर रहे हैं उनको उसके अगेंस्ट में क्या सिक्योरिटी गवर्नमेंट दे रही है? आज आपको मैं बता दूं, मैं छोटे छोटे बिजनेसमैन का आपको दिखा सकता हूं, सबके पास इनकम टैक्स के सर्टिफिकेट है, सब 6 साल 8 साल 10 साल से इनकम टैक्स भर रहे हैं, लेकिन जब उनके ऊपर कोरोना काल में विपत्ति आई है तो कोई भी सिक्योरिटी या कोई भी मदद उनको नहीं प्राप्त हुई है। ये ठीक है कि ये स्टेट गवर्नमेंट का इशू है, मैं बोलने जा रहा था आपको, ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है तो हम इसे सेंट्रल गवर्नमेंट को दोषी नहीं मान सकते। मैं बता रहा हूं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये व्यवस्था कर दी होती कि भाई पिछले 5 साल में जिनका इनकम टैक्स जिन्होंने भरा है उसका एक एवरेज निकाल करके हम आपको 1 साल में जो इनकम टैक्स का एवरेज निकलेगा कि आपने कितने रुपए पर, आपका इनकम कितना था और उतने रुपए पर आपने इनकम टैक्स भरा है, उतना कम से कम हम फाइनेंशियल एड जो है हम बैंक को बोलते हैं कि वो देगा और मिनिमम ब्याज पे देगा, जिससे आपको जो ये 1 साल में जो आप डैमेज हुए हैं वो 1 साल की रिकवरी कर सके। सवाल पैदा हो गया, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप उनके बारे में चिंता कर रहे हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं कुछ टैक्स भर रहे हैं, लेकिन ऐसे तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पास वो कैपेसिटी ही नहीं रही कि वो कुछ टैक्स भर सके, तो फिर तो उसे वंचित हो जाएंगे। वेरी ट्रू, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आप देखो असंगठित कामगारों के लिए विशेष योजना हो, इसके लिए हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से या जहां कहीं भी काम ऐसा चलता है जहां असंगठित क्षेत्र काम करते हैं वहां से एक विशेष टैक्स की वसूली की जाती है, उसको बोलते हैं कि असंगठित कामगार विकास निधि, असंगठित कामगार विकास निधि। अब असंगठित कामगार विकास निधि में 38,000 करोड़ रुपया अभी तक जमा है। आप मेरे को बताइए ये 38,000 करोड़ रुपए से अभी तक आपने इनके लिए कोई रोड मैप तैयार नहीं किया कि इनको आप कैसे इनके लाइफ की सिक्योरिटी दे पाओगे, इनके आरोग्य की सिक्योरिटी दे पाओगे, इनके बाकी चीजों की सिक्योरिटी दे पाओगे, इनके भविष्य को सिक्योर कर पाओगे कि अगर कोई मान लो अपंग हो गया, अगर कोई काम करते करते कहीं पर उसको कोई एंग उसका डैमेज हो गया या मर गया तो उसको कैसे एक बेहतरीन उसके फैमिली को एक सहायता मिल सके, एक आर्थिक सहायता मिल सके जिससे उसके खोने के डर को कुछ मन उसके खोने का जो हानि है उसको कुछ कम किया जा सके, ये कुछ भी आप नहीं पाओगे। डॉक्टर साहब जवाब दीजिए क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह का सवाल उन्होंने उठाया कि उनके लिए कि कोई भी सिक्योरिटी ऐसी नहीं है कि हम उम्मीद करें,
मिश्रा जी के बारे में, मिश्रा जी ने जो भी प्रस्तुत किया अभी उसमें दो चीजों पे मैं बात करना चाहूंगा। एक गुड गवर्नेंस होता है, एक बैड गवर्नेंस होता है। उन्होंने बड़े दर्द भरे डिमांड रखे बिजली का। अब मुझे बात बताइए, महाराष्ट्र बिजली ये सब्जेक्ट स्टेट का है, स्टेट, मैं तो पहले ही बोला है स्टेट गवर्नमेंट का मामला। शराब के टैक्सेस कम करना और बिजली की वसूली के लिए मीटर तोड़ना, ये बैड गवर्नेंस होता है। नहीं, आप स्टेट गवर्नमेंट पर मत बात कीजिए। नहीं नहीं, आपने बात किया, मैंने बात किया, क्यों मालूम है? आप क्या कह रहे हैं? केंद्र बाप होता है, स्टेट उसके बच्चे होते हैं। अब हर बच्चा, जो बच्चा बाप को हर दिन गाली देते बैठेगा, बाप उस बच्चे के लिए क्या करना चाहिए? फिर भी बाप अपना कर्तव्य निभा रहा है, ये मैं नहीं नहीं रखना चाहता। दूसरी बात देखिए, मैं शराब की बात किया तो स्टेट की बात, ठीक बात है, चलिए वो अलग इशू है। आप भारत सरकार की बात, केंद्र सरकार, अभी मैं बात बताता हूँ। असंगठित कामगारों के लिए दो चीजें मैं बताना चाहता हूँ जिसका जिक्र ये बजट में किया गया है। एक तो असंगठित कामगारों के लिए ई पोर्टल किया हुआ है, जहां पे उनको पेंशन तक की सुविधा दे दी है। उन्होंने रजिस्ट्रेशन करना है और नवी मुंबई भारतीय जनता पार्टी के हर एक वार्ड के अंदर ई श्रम कार्ड का देना चालू हो चुका है। और वो सारी फैसिलिटी उनको मिलेगी। दूसरा, वन नेशन वन कार्ड, जो माइग्रेट करने वाले जो लेबर रहते हैं उनको हर बार प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हमको या खाना कहाँ से मिले, राशन कहाँ से मिले, गैस सिलेंडर कहाँ से मिले। अब वन नेशन वन कार्ड जब आ जाएगा, जो देना शुरू हो रहा है, तो उसके बाद कहीं भी जाए लेबर, वो अपने नजदीक के राशन की दुकान में जाके अपना राशन ले सकता है। तीसरा प्रोविजन ये बजट में लिखा हुआ है कि अभी रेंटेड हाउसेस की स्कीम के बारे में चल रहा है, तो जो लेबर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं उनको रहने का प्रॉब्लम हो जाता है, तो उनके लिए वो फैसिलिटेट किया जाएगा कि बाबा ये आप लोगों के लिए घर है, और ये कंपल्शन किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जहां पे प्रोविडेंट फंड पे करना होता है, तो बहुत सारे इंडस्ट्री में क्या होता है कि दो महीने के बाद, तीन महीने के बाद प्रोविडेंट फंड पे करने की एक प्रैक्टिस हो जाती है, ताकि वो पैसा उनको यूज करने मिले, तो वो उन्होंने फैसिलिटी बंद कर दिया, जहां सैलरी दे दी वहां प्रोविडेंट फंड आपने भरना है, ये कंपल्शन करना है। आपका वो जवाब देना, आप जवाब देना, तीन चीजों पर इनका जवाब दे देने दो। एक, इन्होंने बोला ई पोर्टल चालू कर रहे हैं जिसमें किया है असंगठित। अब मैं आपको बता दूं, इनको शायद पता नहीं है, 2021 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट ने जब असंगठित कामगार लोग जब यहाँ से विस्थापित हो रहे थे, तो विस्थापित होने के दौरान उनको जो कष्ट झेलना पड़ा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर पास किया था जो 31 अगस्त 2021 तक सारे मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हो जाना जरूरी था पूरे इंडिया में। वो आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ये ई पोर्टल की बात कर रहे हैं तो मैं इस पर बता रहा हूँ। दूसरी बात, इन्होंने बोला वन राशन वन कार्ड वन नेशन, वन कार्ड वन नेशन। अब आप समझो इसके दो मायने हैं। ये तो फायदा गिना रहे हैं, मैं इसका डिमेरिट गिना रहा हूँ। पहले क्या होता था कि मजदूर जितने भी आते हैं उनके परिवार जो है गाँव में रहते हैं और वो अकेला यहाँ रहते हैं, तो यहाँ आकर के भी राशन कार्ड बनवा लेते थे, ठीक है, और उनका घर पर अलग राशन कार्ड होता था जिससे उनके परिवार को वहां जीविका मिलती थी और यहाँ पर उनको मिल जाता था। आज ये वन नेशन वन कार्ड कर रहे हैं, ये पॉलिसी कोई मजदूरों के हित में नहीं है सुधीर जी। ये जो स्थापित होकर के मजदूर एक दूसरे राशन कार्ड का भी फायदा ले रहे थे, उसको बंद करने की पॉलिसी है। अच्छा। वो बंद हो जाए, एक राशन कार्ड एक ही आदमी को इशू हो, ये पॉलिसी है ये। उनका परिवार जो वो छोड़ करके आते थे, अब उनको छोड़ करके आना नहीं पड़े, क्यों, अगर वो आएंगे तो फिर राशन कार्ड मतलब दोहरा फायदा नहीं ले सकते, ये बात है। उन्होंने बहुत सही पॉइंट रेज किया है कि जो मैं जवाब दे दिया, 47 बिल्डरों को ये काम करने का मौका 5 साल पहले दिया गया था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया और आज भी कुछ होता बड़ा नहीं दिख रहा है। मैं जैन साहब की तरफ आना चाहूँ, क्योंकि ये हमारा जो पूरा ये जो चर्चा है हमारी वो बजट के इर्द गिर्द है, तो मैं नहीं चाहता कि विषयांतर हो। एक निष्पक्ष में राय जानना चाहता हूँ, कई राज्यों में चुनाव, पंजाब में चुनाव चल रहे हैं, यूपी में चुनाव चल रहे हैं, तो क्या मोदी सरकार का ये बजट चुनावों के परिप्रेक्ष्य में भी है क्या? क्या इससे कुछ चुनावी फायदा नजर आता है क्या, कि जो उसमें कुछ प्रोविजन किए गए हैं, जो घोषणाएं की गई हैं, उसका फायदा पॉलिटिकल तौर पर उठाने की कोशिश है ये? देखिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, जितनी घोषणाएं इस बजट में हुई हैं वो डे टू डे कॉमन मैन को अफेक्ट नहीं करेंगी।
किसी तरह से भी, चाहे एडवर्स कह लीजिए चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव बिल्कुल सही। तो आप ये कहेंगे कि चुनाव को देखते हुए कुछ घोषणाएं हुई है, मुझे नहीं लगता, नंबर वन। नंबर टू, क्योंकि ये घोषणाएं लॉन्ग टर्म है, तो शॉर्ट टर्म अगर होती तो मैं कहता कि चुनाव को देखने नजर रखते हुए किया कि भाई ये दो महीने में कुछ होने वाला है, सडनली सामने कल मिल जाएगा, मिल जाएगा। हाँ, लेकिन ये लॉन्ग टर्म है, इसलिए जो स्टेट इलेक्शन सिर पर है उसको देखते हुए ये कोई घोषणा या कोई बजट मुझे कहीं से भी लगता नहीं है। नहीं है, अगर गवर्नमेंट एक कंसेशन ऑफर करती, चाहे वो पर्सनल इनकम टैक्स होता या GST होता या कुछ और सब्सिडी अनाउंस करती, तो डेफिनेटली हम कहते कि भाई ये चुनाव को देखते हुए किया गया है। लेकिन इस बजट में एक भी घोषणा ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। मिश्रा जी क्या कहना चाहेंगे? मैं इसको एक बात जरूर कहूंगा कि ये चुनावी बजट नहीं है, ये चंदा बजट है। चंदा बजट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कॉरपोरेट जगत से चंदा लेकर करके मत को खरीदने का जो धंधा पिछले कुछ वर्षों से लगातार सभी पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा किया जा रहा है, वो वही ये चंदा बजट है। तो ये कोई नया तो नहीं है, पहले भी चंदा दिए जाते रहे। नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तो फिर हम दूसरे की तुलना करके इस गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज ना करें। अगर हम सजग नागरिक हैं तो मेरा यह कर्तव्य है कि जैसे हम दूसरों की आलोचना करते आ रहे हैं वैसे आलोचना करें, और बजट पर हमारा ध्यान एक सजग नागरिक की तरह होना चाहिए। और ये जो बोल रहे हैं जैन साहब कि ये लॉन्ग टर्म बजट है, अरे काहे का लॉन्ग टर्म, हर साल बजट बनता है, हर साल बजट बनता है। उस बजट में आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ती है कि आपके लिए इस साल इस बजट में प्रायोरिटी क्या होना चाहिए। आपने कहाँ रखा प्रायोरिटी को? इस साल बजट का सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए था कि कोरोना काल में जिन जिन लोगों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है उनको मदद मिलना चाहिए, पहला प्रोविजन ये होना चाहिए था। दूसरा प्रोविजन, इस कोरोना काल में जो जो लोग कोरोना के शिकार हुए हैं, मौत हुई है, उनको फाइनेंशियल एड कैसे दिया जाए, ये आपका दूसरा प्रायोरिटी होना चाहिए था। तीसरा प्रायोरिटी ये होना चाहिए था कि इस कोरोना काल में जितने भी छोटे छोटे इंडस्ट्री अगर बर्बाद हुए हैं, मैंने छोटे बिजनेसमैन या छोटे इंडस्ट्री बर्बाद हुई है, तो उनको कैसे फाइनेंशियल एड दिया जाए। चौथा प्रोविजन ये होना चाहिए था कि कैसे EMI की सुविधा दी जाए, जिससे कि अगर एक दो साल जिन लोगों ने लोन पहले से ले रखा है और किस कोरोना काल में बर्बाद हुए हैं, वो EMI भर पाने की स्थिति में नहीं है, तो कम से कम रिजर्व बैंक को यह गाइडलाइन देना चाहिए था कि भैया दो साल तक इनसे कोई EMI आप मत वसूलो, दो साल के बाद आप इनको टेन्योर बढ़ा दो, लेकिन दो साल के बाद EMI की वसूली करो। ये सब प्रायोरिटी कहाँ दिखाई दे रहा है इस बजट में? इसका मतलब कि आपका जो बजट है वो सिर्फ और सिर्फ उन पर केंद्रित है जहां से आपको चंदा आना है, उन पर केंद्रित नहीं है जिनके मत से आप सरकार बनाते हैं। घाटे साहब, बड़ा संगीन आरोप है ये कि ये चंदा बजट चुनावी नहीं है। एक तो आरोप खत्म हो गया कि जो आरोप अक्सर लगते रहे हैं हर बजट के ऊपर कि चुनाव चुनावी फायदे के लिए बजट लाया गया है, तो इस बार तो इसी से आप लोग बच गए हैं। अब रह गई बात, दूसरा मुद्दा आ गया कि आप चंदा बजट ये है। देखिए, बजट की तरफ आप देखते समय एक कॉमन आदमी के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो जैसा आप घर का प्लानिंग करते हैं कि मेरी बेटी बड़ी हो रही है तो उसके लिए थोड़ा निधि साइड में रखो, इसी तरीके से देश का भी बजट प्लान किया जाता है। अगर आप कहेंगे कि नहीं नहीं फ्यूचर में क्या होएगा क्या मालूम, अभी वो उसका प्रोविजन ही नहीं करना चाहिए, तो ये बात वो यही हो गई। जैन साहब ने जो बताया कि हमको इंडिया जाके 1960 में वापस रखना है कि नहीं, ये देखना है। आगे हमको तरक्की करना है। मैं ये मानता हूँ कि लोगों को आज के तारीख में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, इंडस्ट्रियलिस्ट करके इनको भी प्रॉब्लम है, कॉमन आदमी करके मुझे भी प्रॉब्लम है, लेकिन उसको कितने हद तक उसको सस्टेन करना, फैसिलिटेट करना चाहिए, इसके भी अपने एक लिमिटेशंस होते हैं। जैसा इन्होंने कहा मिश्रा जी ने, दो साल इंस्टॉलमेंट ही मत लो। अब दो साल में इंस्टॉलमेंट मत लो तो टोटल इनकम जो बैंकों को आना है वो बैंकिंग सेक्टर कोलैप्स करना है क्या आपको? उसमें फैसिलिटेट करने के लिए काफी सारे प्रायोरिटी में बता रहा हूँ ना। प्रायोरिटी अभी ये है कि जो कंडीशन है, सबसे पहला प्रायोरिटी है पूरा देश वैक्सीनेट करना पड़ेगा, एक रुपया बिना पब्लिक से लिए सबको वैक्सीनेट करना पड़ेगा, ये पहली प्रायोरिटी है। जो गरीब आदमी है, लोन किसके लिए लिया है? घर लेने के लिए लिया है, लेकिन जिसके पास घर ही नहीं है, जो रोड पे पड़ा हुआ है उसको खाना देना, ये प्रायोरिटी है। तीसरा, आने वाले वक्त में नए नए जॉब के अवसर क्रिएट करना, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए जिसके अंदर MSME सेक्टर आ जाता है। चौथा, नए फील्ड में उतरना है, ये प्रायोरिटी है। पांचवा, देश की बॉर्डर सुरक्षित करना है, ये भी प्रायोरिटी है। मैं आखिरी सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं और बहुत संक्षिप्त में आपसे जवाब चाहूंगा। मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कुछ विशेषताएं भी बताइए कि इस बजट की खास क्या है जो आपकी नजर में है,
और जो वाकई कामन लोगों के लिए फायदेमंद है, इस देश के लिए फायदेमंद? देखिए, मैं खूबियां मैं इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि अगर मुझे ये दिखेगा कि इससे जो बड़े लोग हैं उन्हीं को और ज्यादा मदद मिल रहा है तो मेरे लिए यह बजट बिल्कुल भी खूबी बताने लायक नहीं है। आप बड़े लोगों की मदद करते हो, करो, लेकिन कॉमन लोगों की लाश पे नहीं। कॉमन लोगों की लाश मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप घाटे साहब से सिर्फ इतना पूछिए कि क्या इनके पास यह आंकड़ा है कि पिछले 2 साल में कितने लोगों का सिविल स्कोर खराब हुआ है। खाली इनसे ये पूछिए, क्या कोई आदमी जानबूझ करके अपना सिविल स्कोर खराब करता है? क्या, अच्छा, क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? 3 क्या सुझाव सरकार को देना चाहेंगे? मैं 3 बड़े सुझाव अगर आप बोलेंगे तो मैं तो सबसे बड़ा सुझाव पहला ये दूंगा कि जो जो लोगों को कोरोना काल में जिनको भी आर्थिक या शारीरिक क्षति पहुंची है उस पर आपको कुछ न कुछ इकोनॉमिकल एड उनको देना पड़ेगा, उनको आर्थिक सहायता उनको देनी चाहिए। नंबर 2 कि किसान हमारे इस देश के सबसे बड़े ताकत हैं, सबसे बड़ी ताकत है। आप ये आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी को मत अपनाओ। हमारा देश ऐसा है जो हम लोगों ने नेचुरल टेक्नोलॉजी के आधार पर रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन किया है। रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन, ये आपका वर्ड है, मेरा नहीं, कि किसानों ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन किया है। तो हम वो देश के लोग हैं कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज पर अपनी खेती को जिंदा रख सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। नंबर 2, इसलिए किसानों की मदद, किसी भी हालत में किसानों को शहर की ओर मत आने दो। किसानों को, उनके एग्रीकल्चर को इतना बेहतर बना दो कि वो शहर की ओर आपके आकर के आपके रोड पर, आपके फुटपाथ पर उनको सोने के लिए मजबूर मत करो। नंबर 2। नंबर 3, जो असंगठित कामगार हैं उनको विशेष सुरक्षा प्रदान करो, क्योंकि वही वो लोग हैं जो तुम्हारे यहाँ मैला भी साफ करते हैं, जो तुम्हारे कंस्ट्रक्शन के बिल्डिंग भी बनाते हैं, जो तुम्हारे यहाँ टाइल्स भी लगाते हैं, मोजैक भी लगाते हैं, एसी भी लगाते हैं, फ्रिज भी लगाते हैं, ये सारा काम वो लोग करते हैं। इसलिए उनके कम से कम जो तुमने उनके द्वारा, उनके शरीर के द्वारा जो सुख सुविधा को पाया है उसका ध्यान रखो, उनके ऊपर तुम्हारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ये 3 क्षेत्रों में विशेष तौर पर काम करने की जरूरत है। और 4th क्षेत्र मुझे एक लगता है कि महिलाओं को आर्थिक सबलीकरण देने के लिए, वो उनके पास कोई चीज गारंटी के लिए हो या ना हो, लेकिन अगर महिलाओं को जरूर आप कुछ ऐसा आर्थिक मदद दो 50,000 से 1,00,000 रुपए से कि वो अपना छोटा छोटा कोई बिजनेस कर कर करके अपने आप को आर्थिक सबल बना सके। ये सारी चीजें करते हुए अगर आप इंडस्ट्री को भी 2 कदम आगे जाके सपोर्ट करोगे तो भी उसमें मेरे जैसा सजग नागरिक निश्चित तौर पे आपके इस बजट का स्वागत करता। लेकिन अगर मैं देखूंगा कि इन सबों को आपने दरकिनार करके इंडस्ट्री को फायदा देने की कोशिश की है तो मेरी नज़र में ये बजट किसी भी खूबी के लायक नहीं। जैन साहब, क्या कहना चाहेंगे, क्या सुझाव सरकार को देना चाहेंगे? मैं, मुझे 2 मिनट दीजिए, हाँ, मैं मिश्रा जी की 2-3 चीज़ का जवाब देना चाहूँगा। जब नेशन लॉकडाउन लगा था 2020 में, तब गवर्नमेंट ने नेशन वाइड अनाउंस किया था जो भी लोन्स हैं, होम लोन हो चाहे वो कैपिटल लोन हो, उसको आपने ईएमआई को पोस्टपोन किया था, और ओनली 6 मंथ। हाँ, ठीक है, ये सब चीज क्लियर करो जिससे कि लोगों को मालूम हो। हाँ, 6 महीने के लिए। जैन साहब, मुझे मैं समय की बात देता है इसलिए मैं आपसे सिर्फ 3 सुझाव जानना चाहूंगा। सरकार को आप क्या 3 सुझाव देना चाहेंगे जो महत्वपूर्ण है? देखिए, मैं सबसे बड़ा जो शुरू से मुझे पिंच करता है वो है हाई फ्यूल कॉस्ट। अगर आज गवर्नमेंट फ्यूल कॉस्ट को कट करती है, सिंपली ब्रिंगिंग फ्यूल को जीएसटी में, तो आज इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा और कॉमन मैन की लाइफ बहुत इजी हो जाएगी और बहुत उसके पॉकेट में सरप्लस पैसा रहेगा। नंबर 1। नंबर 2, पर्सनल इनकम टैक्स, 30% पर्सनल इनकम टैक्स। आज कॉर्पोरेट में 22.5% टैक्स है, बिल्कुल सही कहा आपने, राइट, लेकिन पर्सनल इनकम टैक्स आदमी जो मेहनत करके कमाता है उसको 30% है, वो कम होने की पूरी गुंजाइश है। और वो इतना कर सकती है कि गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर स्लैब के बाद 30 करे और जो सैलरीड क्लास है, जिनकी की सैलरी लिमिटेड होती है, उनको टैक्स रेट कम करके उनको थोड़ा रिलीफ दे। नंबर 2। नंबर 3, रिसेंटली गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफिकेशंस लाए हैं जीएसटी लॉज में, वो नोटिफिकेशन से ट्रेड और इंडस्ट्री को ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गया है, बिकॉज कंप्लायंसेस बढ़ गए हैं और उनके पास लिक्विडिटी का शॉर्टेज हो गई है जस्ट बाई फ्यू नोटिफिकेशन जो जीएसटी में आए हैं। अच्छा, गवर्नमेंट को चाहिए जब 1.5 लाख करोड़ महीने का जीएसटी का रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है तो उनको लॉ सिंपल बनाने चाहिए और जीएसटी का रेट जो आज ऑलमोस्ट सारे आइटम पे 18% है उसको कम करना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़े, इंडस्ट्री को बूस्ट मिले और कॉमन मैन के पॉकेट पर रिलीफ हो। घड़े साहब, क्या कहना चाहेंगे आप सुझाव क्या देंगे? सरकार ने ही आपके सारा काम किया है तो क्या कहना, आपको क्या लग रहा है कि क्या इम्पोर्टेंट चीज है जो रह गई है? सब कोई चीज रही नहीं है,
हमने सिर्फ देखना है उसको। फिलहाल जो पॉलिसी आई हुई है वो देश के अंतर्गत जो असंगठित कामगार जो नीचे के तबके के हैं उनके लिए लेके गई है, और वो फैसिलिटी और भी बढ़ेगी। उसके अंदर 2 लाख का इंश्योरेंस पीएम अटल इंश्योरेंस है, बाद में आपका 5 लाख तक का आपको मेडिकल फैसिलिटी दी गई है, उसके लिए कार्ड लेना है, रजिस्ट्रेशन तो करना पड़ेगा, और वो पहले से लॉ था वो अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है। हाँ। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, मैं एक लाइन में सिर्फ सिंगल लाइन में जवाब चाहता हूँ, 2022 का जो केंद्रीय बजट है वो फायदेमंद है या नुकसानदायक? मिश्रा जी आपसे। मेरा तो बिल्कुल क्लियर है कि आम नागरिकों के लिए बेहद नुकसानदायक बजट, इंडस्ट्रियलिस्ट और खासकर कॉरपोरेट के लिए बेहद सहयोगी बजट। जैन साहब देखिए, कोई भी चीज टोटलिटी में देखी जाती है। यस, मैं एक पर्टिकुलर सेक्टर नहीं, टोटलिटी में अगर मैं कहूँ तो बजट देश के लिए और उसके नागरिकों के लिए लाभदायक है। घाटे साहब एक लाइन में, विश्व गुरु बनने की तरफ हम चल पड़े उसकी बुनियाद रखने वाला यह बजट है। मैं आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस इम्पॉर्टेंट सेशन में हिस्सा लिया। बजट एक गंभीर विषय है और उस पर तमाम अध्ययन की ज़रूरत रहती है। हम एक लाइन में पूरे बजट को हम डिफाइन नहीं कर सकते। निश्चित तौर पर आप लोगों ने जो अध्ययन किया और जो हमारे दर्शकों के लिए पेश किया उस बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम उम्मीद करते हैं कि जो आपने सुझाव दिया है उस पर भी अमल किया जाएगा, और जो कमियाँ रह गई हैं उसको लेकर भी सरकार अगले बजट में या अगले दिनों में कुछ ना कुछ नया प्रोविजन जरूर करेगी। आज के बजट पर चर्चा में इतना ही, दीजिए हमें इजाजत, लेकिन बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV1 इंडिया। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत।